क्या हुआ मेरे बच्चे? घबराओ मत बेटे, ऐसा कभी कभी होता रहता है। चलो चलते चलो। अरे हमें दिक्कत नहीं है क्या? अभी नेल्सन्स कॉलम के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ है, अब सब कुछ नियंत्रण में है। चश्मदीद गवाहों का कहना है कि पक्षी अपने पागलपन में भी लोगों पर। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, नहीं, द 14 टाइम्स ने लिखा है कि पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया और जापान में दो बार ऐसा हुआ है और दर्जनों के घायल होने की खबर है और फिर ऐसी ही दुखद और डरावनी अजीब और विचित्र भी। बिल्कुल विचित्र। पंछी उड़ते कैसे हैं? देखकर? नहीं, लंबी यात्रा वाले पंछी। मैग्नेटिक फील्ड, उनके दिमाग में छोटे आयॉन्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़े हुए होते हैं। हाँ, इसने ठीक कहा। ठीक? एकर, सीधा नेट पर जाओ और जल्दी ढूंढो, 2 साल में काम पूरा करना है। कोई भी और सभी विचित्र खबरें इकट्ठी करो, जैसे पंछियों का पलायन और व्हेल्स और डॉल्फिन्स का बीच पर आना, मतलब जो भी अजीबोगरीब घटनाएं हैं, विमान दुर्घटनाएं भी, और क्या कहूं, तुम खुद ही समझदार हो। ये काम तो बहुत बड़ा है। हमारी T1 लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ तो मिलेगा ही। डैनी सुनो, मुझे फील्ड थ्योरी क्लास से सबसे लायक बच्चा चाहिए और तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक कंप्यूटर मॉडल बनाओ। हम क्या कर रहे हैं? मुझे फील्ड बिछाने के लिए पृथ्वी का एक 3D मॉडल चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ है, पर तुम जानते हो ना कहाँ ध्यान देना है। जो भी एकर को गड़बड़ लगे उसका, और वो जो कहे उसका, और हाँ उन बच्चों की भी हर बात का ध्यान रखना। सुनो जॉर्ज, क्या हमारे पास इतना वक्त है? अगर ये कर लो तो मैं तुम्हारी PhD बिना पढ़े साइन कर दूंगा। बिना पढ़े? बिना पढ़े, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा PhD। अभी और